हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में आपको नोज बनाना सिखाऊंगा। पोर्ट्रेट्स में कैसे बनाते हैं, सिंपली आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है अपने नोज का रेफरेंस लेकर। सर्कल ड्रॉ करना है, साइड में एक और सर्कल ड्रॉ करना है और उसके साइड में सेम साइड उसके जस्ट अपोजिट एक और सर्कल ड्रॉ करना है। और ये आप नॉर्मल से हैंड से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर किसी इक्विपमेंट का यूज़ करके सर्कल कर सकते हैं। और आपके नीचे का भी जो पार्ट है उसको आपको थोड़ा डार्क करना है। और नीचे का जो भी पार्ट आपको जब डार्क हो जाए तो आपको एक नीचे का रेफरेंस मिल जाता है वैसे नोज़ का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ जैसे रेफरेंस पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा सर्कल मैंने क्यों ड्रॉ किया है। सो अभी ऊपर एक सिंपली हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। और जब भी आप नीचे का जो भी पार्ट देख रहे हैं अभी सर्कल जो मैंने बीच का जो है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। जो साइड का मैं जो शील्ड करूँ तो उसी का ग्रेफाइट यूज़ कर सकता हूँ मैं। सो अभी ऊपर का जो भी यहाँ से जैसे ऊपर का पार्ट है ये जो आप जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी देख रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा सा हम लोग शेड करेंगे जिससे थोड़ा नोज़ जो है वो उभरा हुआ लगे। और नीचे का जो भी साइड का जो पार्ट है वो जो शेड करेंगे हम HB पेंसिल से ही कर रहे हैं। अब आप पोर्ट्रेट का रेफरेंस देख कर और अपना जो भी उसमें आपको लगे कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है। सो यहाँ पर मैं सिंपली आपको ड्रॉ करने के लिए सिखा रहा हूँ, ये मैं अपना इमेज करके ड्रॉ किया हूँ। सो इसीलिए मैं HB यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसमें रेफरेंस कोई भी पिक नहीं है मेरा। सो आप नॉर्मली आपको जो भी रेफरेंस आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें जो भी इस मेथड का आप यूज़ करेंगे सर्कल मेथड का, सो इस सर्कल मेथड का यूज़ करने पर आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी जहाँ पे डार्क पार्ट है जहाँ पे हाई लाइट पार्ट है और जो भी आपका प्रोपोर्शन जैसे जैसे हैं उसे खुद से अपना ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर से जो भी एक्स्ट्रा ग्रेफाइट है वही यूज़ करके मैं शेड कर रहा हूँ। सो साइड का जो भी पार्ट है वो मैं उसी से ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रहा हूँ जिसे थोड़ा सा अच्छा लगता है जो भी आप ड्राइंग करते हो। ये बिगनर्स के लिए हैं, जो बिगनर्स यही गलती करते हैं कि जो भी पार्ट है अपना जो भी नोज़ बनाते हैं सो उसमें कुछ जहाँ पे छोटा हो जाएगा कहीं पे बड़ा हो जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे हो गया था। तभी मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरा सही हो जाए। और साइड में जो भी उसका ड्राइंग में क्या है, आपको ड्राइंग सबसे पहले जो आप ड्रॉ कर रहे हैं कोई भी स्केच तो उसमें अनरियलिस्टिक सा इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें आप जो भी आउटलाइन है वो दिखने लगता है। सो आउटलाइन को कैसे आपको ब्लेंडर से ब्लेंड करके छुपाना है, वैसे छुप जाएगा तो फिर आपका रियल लगता है नोज चाहे कुछ भी जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट में देखकर शेड कर रहे हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी ये कि अपने पास से कुछ भी उसमें ऐड करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपका जो भी पोर्ट्रेट है उसमें उस जहाँ पर उसको पहुँचना है वहाँ का उसको ग्रेड नहीं मिल पाएगा। और आप जैसे भी नीचे का जो भी पार्ट है चाहे साइड का जो भी पार्ट है मुझे लग रहा था यहाँ पे थोड़ा डार्क करें क्योंकि यहाँ पे मैं इसीलिए कर रहा हूँ यहाँ पे डार्क क्योंकि नीचे जो भी शेडो पड़ता है आप लोग रेफरेंस पॉइंट देखेंगे आपका किसी भी चाहे आपने कभी भी स्केच किया होगा सो तो आपके नीचे जो भी नोज़ के नीचे जो भी एक शेडो पड़ता है उससे नीचे का जो भी डार्क एरिया है नीचे का जो नोज़ लाइन है उस वो छुप जाता है। सो अभी मैं इसको सर्कल मेथड से किया था, अभी मैं इसको स्क्वायर मेथड से करके दिखाऊंगा। स्क्वायर मेथड का इसीलिए क्योंकि ये बिगनर्स के लिए और इजी हो सकता है क्योंकि सर्कल ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा, प्रोपोर्शंस अच्छे नहीं मिल पाएंगे, स्क्वायर अच्छे से नहीं आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं हाईलाइट्स के लिए पहले छोड़ चुका था बीच में आप लोगों ने देखा। सो और उसके साइड वाले सर्कल जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें भी छोड़ चुका हूँ। सो अभी जो नीचे का जो भी ट्रायंगल जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ देखिए जैसे ऐसे करके है वो ऐसे ट्रायंगल स्क्वायर है ना उसको ऐसे ट्रायंगल है। सो अभी स्क्वायर को मैं सर्कल में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिगनर्स के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें सर्कल में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिगनर्स को और अच्छे से सर्कल ड्रॉ कर नहीं पाते हैं तो आपका यहाँ पे छोटा हो जाएगा इस साइड वाला बड़ा हो जाएगा तो आपका वैसे थोड़ा सा वजह टाइप लगता है।
मैं भी पहले ड्रॉ करता था तो मुझे भी लगता था। सो यहाँ पे मैंने इसीलिए पूरा डार्कली ब्लेंड कर दिया क्योंकि मुझे अभी इसमें हाइलाइट्स दूंगा इरेजर से। सो डरने की कोई बात नहीं है, पोर्ट्रेट जो भी है आपका जैसा भी रेफरेंस है आपको, पहले तो डरे नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप ड्रॉ करने की कोशिश करें तो बिल्कुल होगा। सो अभी नोज में मैं नीचे का जो भी एक्स्ट्रा जो ग्रेफाइट निकल चुका था उसको मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी बीच में जो भी हाईलाइट्स पार्ट है वो मैंने देखिए जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, अभी तो मैं दिखाऊंगा कैसे ग्रेफाइट कैसे अब वहाँ पे लगाएंगे हम लोग। देखिए जैसे ब्लेंडर में जो हमने एक्स्ट्रा ग्रेफाइट रखा था वो हम लोग उसी पे लगा चुके हैं। सो अभी आप ही देखिए ऊपर का जो भी ऊपर वाला जो नोज बनाया है हम लोग, उसमें जो बिगिनर्स के लिए है वो अच्छा है, क्योंकि इसीलिए अच्छा है क्योंकि उसमें हाईलाइट्स हम लोग पहले ही छोड़ चुके थे। और ऐसा जो भी आप करेंगे कि पूरा ब्लेंड करके एक ही बार उसके बाद से हाईलाइट निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये पता है। और नहीं तो आप अगर अच्छे से बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको भले आस्था हो अच्छे से बना सके, आपको निकालना आता होगा। तो नीचे का जो भी पार्ट है अभी मैंने ब्लेंड कर दिया था तो अभी मैं उसको सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे शेडेड एरिया है उसको मैंने शेड करना है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी ये सर्कल था अभी इसको मैं इसको शेड करना है, तो इसमें ग्रेफाइट दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि वहाँ पे इरेज कर दिया तो ग्रेफाइट कम हो गया था। सो दोनों ग्रेफाइट दोनों तरफ मेंटेन रखें अगर आप ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं तो, अगर रेफरेंस से ड्रॉ कर रहे हो तो अगर इधर से लेफ्ट पास लेफ्ट से शेड यहाँ पे पड़ेगा शेडो तो राइट में आएगा उसका शेडो, मतलब लेफ्ट से लाइट पड़ेगा तो राइट में शेडो आएगा और राइट से पड़ेगा तो लेफ्ट में आएगा, या तो आप जानते होंगे, आई होपली आप जानते ही होंगे क्योंकि आपको पहले ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो सिंपली आपको ब्लेंडर यूज़ करना है अच्छे से, ब्लेंडिंग आपको जितना आप अच्छे से करेंगे उतना अच्छे से आप अच्छे से नोज़ या कोई भी पोर्शन, यहाँ पे जब मैंने नोज़ बनाने का ट्राई किया ना तो वहाँ पे नोज़ अच्छे से आएगा। अभी मैं यहाँ पे साइड वाला नोज़ बना रहा हूँ, साइड में जो पार्ट होता है उसके लिए साइड फेस का नोज़। सिंपली आपको सर्कल लेना है, उससे अटैच एक और सर्कल लेना है जो उससे छोटा होगा, और यहाँ पर ये जो भी जितना छोटा करना है यहाँ पर खुद से ऑब्जर्व करना है ये कितना छोटा होगा। सो अभी यहाँ पे शेडिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा ग्रेफाइट एक्स्ट्रा इसमें ये लगा रहे हैं, वो भी ये भी पूरा HB पेंसिल से ही कर रहे हैं हम लोग, जब आई वाला पार्ट वहाँ पे चला जाता है। सो अभी हम लोग ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्रेफाइट जो भी है उसी का हम लोग ग्रेफाइट यूज़ कर लिए थे। सो ऊपर ये जो थोड़ा सा हम लोग अभी बाद में जो दिए थे, अभी जो दिए हैं हम लोग इसी से इसके ऊपर का इसीलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पे जो भी नोज़ का उभरा हुआ पार्ट है वो हम लोग अच्छे से ला सकें अपने स्केच में। सो अभी हम लोग ये आउटलाइन छुपाने के लिए उसका यहाँ पर डार्क कर रहे हैं पेंसिल से उसका आउटलाइन में, आउटलाइन आपका छुपेगा नहीं तो आपका पोर्ट्रेट जो आप नोज़ रियलिस्टिक सा नहीं आता है पहली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।